हेलो गाइज, सो एक समय था जब मार्केट में मारुति सुजुकी, महिंद्रा, टाटा जैसी कारों का बोलबाला था, लेकिन आज के डेट में किया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और हाँ, मैं तो हुंडई बोलना भूल ही गया था। सो गाइज, किया पार्टिसिपेट कर ही नहीं रही है, बल्कि करके दिखा रही है, जैसे सोनेट और सेल्टोस जैसी कारों को लॉन्च करके। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ किया सोनेट के बारे में, जो कि एक फेसलिफ्ट आई है इसके बारे में। सो हेलो गाइज, दिस इज मंजीत सिंह एंड यू आर वॉचिंग विली राइड ब्रदर्स। सो गाइज, आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब कभी भी मैं ऐसी वीडियोज लाऊं तो आप सबको उसकी नोटिफिकेशन इजिली मिल पाए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं एक्सचेंज ऑफर के बारे में भी बात करूंगा, कैसे आप किसी भी कार से एक्सचेंज कर सकते हो उसके बारे में। ओके, सो क्या है कुछ खास, देखते हैं। चलो, सो फ्रेंड्स, ये है किया सोनेट बिल्कुल नई वाली, जो कि फेसलिफ्ट अभी आई है हाल फिलहाल में। शुरुआत करते हैं चाबी से। सो ये इसकी कुछ चाबी है, यूनिक चाबी है। यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक, ये आपका इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको बूट का ऑप्शन मिल जाता है। और ये आप छोटा सा जो देख रहे हैं, इसको प्रेस करके आप की को बाहर निकाल सकते हैं फिजिकली। जैसे कि एक बार मैं करके दिखा दूँ, ये अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो मैं थोड़ा हेल्प लूँगा और ये निकल गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ इसका की है। सो काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग सा की है। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रंट से। सो फ्रंट का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छी लगती है, और ये रेड कलर में तो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है और ये एक प्यारा सा ग्रिल है। फ्रंट में आपको जो भी लाइट्स हैं वो LED में मिल जाती है। ये आपके प्यारे से DRLs है। इस साइड भी देख लीजिए, यहाँ पे ये जो DRLs है, आई थिंक मैं इसको एक बार प्रेस करके देखता हूँ, शायद वो जले तो। ये आपका जो इंडिकेटर है यहाँ पे प्लेस किया गया है, जो कि सिक्वेंशियल है। एक बार फिर से मैं इसको अनलॉक करके देखता हूँ, जो कि काफ़ी प्यारा लग रहा है अगर आप देख पा रहे हो तो। नीचे की तरफ अगर आप देख रहे हो तो ये यहाँ पे फॉग लैंप है, काफ़ी पतला सा। ऐसे देखने में लग रहा होगा कि ये इंडिकेटर है, लेकिन ये इसको आप स्लिक फॉग लैंप बोल सकते हो। दोनों तरफ है, यहाँ भी और यहाँ भी। सो डिज़ाइन कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं इंजन की, तो ये 1.0 लीटर के साथ आती है। यहाँ पे आपको दो तीन और ऑप्शन मिल जाते हैं, एक 1.2 लीटर भी आती है, एक 1.5 लीटर आती है। ये 1.0 लीटर टर्बो इंजन है, जिसमें जो आपको इंजन पावर मिल जाती है वो 120 पीएस की मिल जाती है। टॉर्क आपको 172 न्यूटन मीटर का मिल जाता है। सो इंजन काफ़ी अच्छी है और इंजन ऑप्शन है, सो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। आप 1.0 से 1.5 लीटर तक जा सकते हैं। सो ये पेट्रोल इंजन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए थोड़ा आप साइड से देख लेते हैं कैसी लगती है। सो ये इसकी कुछ साइड प्रोफाइल है, काफ़ी लंबी सी दिखती है फ्रेंड्स। और ये वाली जो मॉडल है, ये है GTX+7DCT। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मॉडल है, और ये टॉप मॉडल है, ड्यूअल टोन में आती है। सो काफ़ी प्यारी लग रही है। यहाँ पे एक क्रोम का पट्टी भी यूज़ किया गया है, जो कि पीछे तक जाती है। सो स्टाइल में नो डाउट काफ़ी प्यारी लगती है। आपको कैसी लगती है आप हमें बताइएगा ज़रूर। यहाँ पे आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं, प्यारा सा लंबा सा। और ये आपके ORVMs पे यहाँ पे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं दोनों तरफ। ओके, सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये जो है यहाँ पे फिनिश है, आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाता है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैमरा यहाँ पे भी दिया गया है छोटा सा, सो ये आपको 360 जो व्यू है उसको कवर करने में हेल्प करती है। चलिए पीछे की तरफ आ जाते हैं। पीछे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉप से। सो यहाँ पे आपको सर्फिन एंटीना मिल जाता है, ये आपका एक बड़ा सा स्पॉइलर मिल जाता है। यहाँ पे हाई स्टॉप टेल लैंप मिल जाता है, यहाँ पे डिफॉगर, एक छोटा सा रियर वाइपर मिल जाता है। ये एक पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प मिल जाती है आपको, लंबी सी, जो कि आपको ये भी LED में है। एक बार फिर से मैं इसको लॉक करके शायद दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये दिख जाए। सो नहीं, इंडिकेटर ही जलती है। सो कोई बात नहीं, मैं बाद में इसको दिखा दूंगा। सो एक आपको लंबी सी लाइट है, पता नहीं ये रेड कलर है और ये भी रेड कलर है, तो पता नहीं कितना दिख रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जो सेंसर्स है, आपको 4 सेंसर्स मिल जाते हैं, ये 2 यहाँ पे हैं और वो 2 वहाँ पे हैं, और बाकी कुछ तो नहीं है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं दोनों तरफ। ये यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट मिल जाता है बीच में। अब ये बीच में क्यों है मुझे नहीं पता, ज़्यादातर तो राइट साइड में मिलती है, लेकिन ये बीच में है, आई थिंक दोनों को कवर कर रही है। कैमरा आपको यहाँ पे नीचे प्लेस किया गया है, आप देख सकते हो नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर, सो काफ़ी नीचे है। सो इसका क्या व्यू है, कैसा है, वो मैं आगे वीडियो में बात कर लूँगा। यहाँ पे एक वेजिंग है GT लाइन की, वो आप देख सकते हो, काफ़ी प्यारी लग रही है।
ओवरऑल ऐसी ही कुछ थी लुक। चलिए अब अंदर बैठ के बात करते हैं अंदर क्या कुछ मिल जाता है, और हाँ एक्सचेंज क्या रहने वाला है, कितना क्या कुछ रहने वाला है, कैसी प्राइस रहने वाली है, किस कार पे आपको एक्सचेंज मिल जाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको भी कोई पूछना हो, कोई सवाल हो, तो आप हमें पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फ्रंट पार्किंग सेंसर के बारे में बात नहीं की, यहाँ भी आपको दो इस साइड मिल जाते हैं और दो इस साइड, यहाँ भी आपको चार पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। चलिए अंदर बैठ के बात करने से पहले मैं सोचा आपको टायर भी दिखाई देता हूँ। यहाँ पे आपको डायमंड कट अलॉय व्हील मिल जाते हैं, ये कुछ ऐसा इसका डिजाइन है, और इसका जो साइज है आपको 215/60R 16 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील मिल जाते हैं। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ही आप अंदर जाने की कोशिश करते हैं, अगर आपके पास चाबी है तो ये आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है ड्राइवर साइड। अब को ड्राइवर साइड है कि नहीं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, लेकिन अगर आपके पास चाबी है तो आपको सिंपली इसको प्रेस करना है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, अभी मेरे पास चाबी है, मैं इसको ऐसे खोल रहा हूँ, सॉरी तो नहीं खुल रहा है, लेकिन अगर आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा। वही अगर आपके पास चाबी नहीं होगा तो आई थिंक आप इसको प्रेस करोगे तो खुलेगा नहीं। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। को ड्राइवर साइड भी मैं देख लेता हूँ, अगर उस साइड हुआ तो मैं दिखा दूँगा। आई थिंक नहीं, इस साइड नहीं है। सो ये इस मॉडल में तो नहीं है, बाकी मॉडल में है कि नहीं वो मैं आगे वीडियो में बात करके बता दूंगा। सो दरवाज़ा खोलते ही एक बार मैं पूरा खोल लेता हूँ। सो डोर जो है लगभग 90 डिग्री तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ लगभग 85 के आसपास तो खुल जाती है, लगभग पूरा खुल जाता है दरवाज़ा। सो वाइड खुलता है, आप आराम से इसमें एंटर कर पाओगे। ये टॉप मॉडल है, पहले मैं इस चाबी को यहाँ पर रख देता हूँ। सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको सीट एडजस्टमेंट दिया गया है, आप देख सकते हो यहाँ से आप अपने सीट को ऊपर नीचे डिक्लाइन कर सकते हो। खास बात यह है कि ये जो भी है दोनों सीट्स, ये ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों सीट्स जो हैं आपको वेंटिलेटेड आती है, तो आपको गर्मी में या फिर ठंडी में सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिल जाएगा। चलिए बैठते हैं और इस दरवाजे को करते हैं बंद। हालांकि यहाँ दरवाजे पे भी बात कर ही लिया जाए, यहाँ पे आपको ORVM से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये आपका विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको अच्छा फिनिश दिया गया है लेदर का, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है बोतल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर मिल जाता है, ये कुछ इसका ऐसा फिनिश है, काफ़ी अच्छी है, नो डाउट मटेरियल भी काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है। अब करते हैं दरवाज़ा बंद। बैठ के काफ़ी अच्छा लग रहा है, स्पेसियस है। ये जो आपका स्टेयरिंग व्हील है, आपको इसमें डीकट स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, और काफ़ी पतली है, स्लिक है, ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मतलब बहुत बड़ी गाड़ी हो, ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटी सी कार में चला रहा हूँ, लेकिन इसका जो फील है वो काफ़ी प्यारा है। यहाँ पे आपको GT लाइन लिखा हुआ है, जो कि आपको फील करा रहा है कि आप टॉप मॉडल में बैठे हुए हो। ओके, सो गाइज बताने को तो बहुत कुछ है, समझ में नहीं आ रहा शुरुआत किधर से करूँ। हालांकि शुरुआत इधर से ही करता हूँ, स्टीयरिंग व्हील का मैं बता रहा था तो यहीं से शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये आपका पैडल शिफ्टर है दोनों तरफ, अगर आप चाहते हैं मैनुअल का फील लेना ऑटोमेटिक कार में तो आप यहां से ले सकते हो। आप यहां से सिंपली इसको ड्राइव मोड को चेंज कर लोगे और आप यहां से इसको कंट्रोल कर पाओगे। लेफ्ट हैंड साइड आपको वॉइस कमांड से रिलेटेड फीचर्स वगैरह मिल जाता है, राइट हैंड साइड आपको क्रूज कंट्रोल से रिलेटेड फीचर्स वगैरह मिल जाता है। यहां पे आपको हॉर्न मिल जाता है छोटा सा राउंड में। यहाँ पे एयरबैग लिखा गया है, सो मैं वो भी बता देता हूँ। इसमें आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, और ये स्टैंडर्ड है, आप बेस वेरिएंट से भी आप 6 एयरबैग को अफोर्ड कर पाओगे। सो ये एक काफ़ी अच्छी फीचर है, क्योंकि सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। यहाँ पे आपको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और ये आपका लाइट से रिलेटेड कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पे स्क्रीन की। सो एक यहाँ पे ऐसा स्क्रीन है काफ़ी पतला सा, और इसके पीछे डैशबोर्ड है। सो कभी कभी ऐसा लगता होगा आपको कि इसके नीचे ऐसा क्या है, कुछ गिर तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप चलाते वक्त यहाँ का जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी क्लियर है, कुछ आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। ये वीडियो में हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो। ये 10.25 इंच के साथ आती है, और इसमें आपको जो भी फीचर्स है वो सब कुछ आपको मिल जाता है, एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले फीचर्स के साथ ही आती है। बात करें एसी की, सो एसी काफ़ी चिल्ड है, अभी मैं एक पे कर रखा हूँ, ठीक है। वेंट्स यहाँ पे 1, 2, 3, 4 हैं, और ऊपर की तरफ भी दिए गए हैं एक ग्लास के लिए भी, ताकि गर्मी और ठंडी में दोनों ग्लास को कवर कर पाए। स्पीकर्स की बात करें तो आपको इसमें बोस के स्पीकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे ब्रांडिंग भी दी गई है अगर आपको दिख रहा है तो, और टोटल 6 स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। इस कार में आपको वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है, जो कि यहाँ पे ऊपर में है, और ये आपका स्पेस जो कि कुछ रखने के लिए है। तो जैसे आप नॉर्मल फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं तो आप यहाँ पे रख के चार्ज कर सकते हैं, और वायरलेस फ़ोन अगर आपको चार्ज करना है तो आप यहाँ पे रख के चार्ज कर सकते हैं। सो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा, मैं पहली बार में हो गया था। यहाँ पे आपको USB पोर्ट भी मिल जाता है, और ये आपको एक टाइप सी टू टाइप सी केबल
का चार्जिंग सपोर्ट भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का भी एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। ये इसका एक प्यारा सा गियर नॉब है जो कि आप देख सकते हो, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइव मोड आपको इसमें मिल जाता है। ये आपका हैंड ब्रेक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, 2 कप होल्डर्स आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट है जिसमें थोड़ा सा आपको स्पेस मिल जाता है, छोटा सा है, काफ़ी अच्छा है, इसका फील भी काफ़ी अच्छा है, थोड़ी सी मजबूत है और रिलायबल भी लग रही है। फ्रेंड्स एक फीचर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये आप जो देख रहे हैं ये वेंटिलेशन का फीचर है। जैसे कि आप देखो ये फैन का स्पीड कम ज़्यादा भी हो रहा है। सो ये है आपका ड्राइवर साइड का, जैसे मैं इसको अगर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए 3 पे चला गया, ब्लू है, इट मीन्स ये कूल हो रहा है। अगर ये हॉट होगा, जैसे आप यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आप जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वो यहाँ पे टेम्परेचर कम ज़्यादा होगा। और ये जो है ये आपका को ड्राइवर का है, जैसे इस साइड जो बैठे हैं उनके लिए है। यहाँ पे ये जो छोटा सा आप देख रहे हो स्विच, ये आपका पीछे का जो पार्किंग है, पीछे का जो आपका स्पेस है, कोई कार पार्क है या फिर नहीं, या पीछे का आप व्यू देखना चाहते हो तो आप यहां से देख सकते हो। और ये आपका 360 व्यू लगभग दिखाई दे रहा है, ऊपर से टॉप एंगल है। और जैसे ही आप देखना चाहोगे तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। यहां पर ट्रैक्शन का भी स्विच दिया गया है, ड्राइव मोड है, इसमें आपको टोटल 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं, जो कि एक इको, स्पोर्ट और नॉर्मल ड्राइव मोड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और आप यहाँ से चेंज भी इसको कर सकते हो, जैसे मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो देखो आप चेंज कर पा रहे हो यहाँ से भी। मैं जब प्रेस कर रहा हूँ ये चेंज हो जा रहा है, फिलहाल आप इको में ही रहने दीजिए, इको में ही चले, अच्छा है। मीटर कंसोल को जब दिखा रहे हैं तो मीटर कंसोल की बात कर लेते हैं, फुली डिजिटल मीटर कंसोल आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको देख लीजिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जैसे ऊपर में सीट बेल्ट रिमाइंडर है, यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक का है, फ्यूल कितना है, कितने किलोमीटर में जाएगी, आपकी टेम्परेचर क्या है, कूलेंट की माइलेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको दिखा रही है, ट्रिप है। सो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, अगर मैं इसको बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। ये आपका जो है IRBM है जो कि ऑटो डे डिमिंग के साथ आती है, और ये आपका किया कनेक्ट है, इससे आप कनेक्ट करके अपने जो भी किया से आप जो भी सहायता लेना चाहे आप ले सकते हैं। ये आपका SOS है, इमरजेंसी में आप इसको प्रेस करके आप नज़दीकी जो भी पुलिस वगैरह हैं उनसे आप हेल्प वगैरह ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाता है, छोटा सा सनरूफ है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं है कि आप इसमें से ना निकलो, मतलब अच्छा है, डिसेंट है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भी है और बहुत छोटा भी है, मतलब डिसेंट सनरूफ मिल जाता है जिसको आप वॉइस कमांड से भी खोल सकते हो। और यहाँ पे स्विच भी दिया गया है जो कि आप यहाँ से भी खोल सकते हो ऐसे प्रेस करके, अगर ऐसे प्रेस की देखिए खुल गया, पता नहीं कैसा व्यू आ रहा है। चलिए इसको बंद कर लेते हैं, इसको मैंने बंद कर लिया और ये कर्टेन भी लगा ही देता हूँ। ओके, ये लाइट है जो कि हैलोजन में है और इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है फिलहाल के लिए। यहाँ पे आई थिंक सनग्लास होल्डर भी मिल जाता है छोटा सा, तो अगर चश्मा उस्मा आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। ड्राइवर साइड कोई भी वैनिटी मीटर नहीं मिलता है, छोटा सा सन ब्लाइंड मिल जाता है जो कि आई थिंक एक्सटेंडेबल तो नहीं है, हाँ नहीं है, लेकिन ठीक है, डिसेंट है। को ड्राइवर साइड आपको एक बड़ा सा वैनिटी मिरर मिल जाता है और ये एक छोटा सा सन ब्लाइंड है। यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड आपको एक ग्रैब बार मिल जाता है ग्रैब करने के लिए, और इसका जो केबिन लैंप है एक यहाँ पे है और एक पीछे भी है, यहाँ भी आप देख सकते हो, इसको अगर प्रेस करते हैं तो ये हैलोजन में मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसका जो स्टीयरिंग जो एडजस्टमेंट है वो भी देख लिया जाए पहले वो कैसा है। सो आप यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हो, ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है, जैसे आप इधर ऊपर और नीचे कर सकते हो और इसको आगे उठा सकते हो ऊपर की तरफ, हालांकि थोड़ी हैवी है सो इसको रहने देते हैं, लेकिन है दोनों ठीक है। नीचे की तरफ आपको ऑटोमेटिक है, सो इसमें आपको ब्रेक और एक्सेलेटर पैडल ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, सो काफ़ी अच्छी बात है। वहाँ से आप बोनेट को ओपन कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें तो हो गई, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दिया, अब लगता नहीं है और कुछ बच गया है। फ्रेंड्स एक और अच्छी बात तो मैं बताना भूल ही गया, इस प्राइस रेंज में आपको अडास मिल रही है इस कार में, सो ये एक यूनिक बात है। सो आप देख लीजिए, अगर आप एडास मोड को ऑन कर लेते हैं तो आपकी कार जो है खुद ब खुद जो लेन डिटेक्टर है उसको डिटेक्ट करके चलती रहेगी। गाइज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक्सचेंज के बारे में बता देता हूँ, अभी मैं आपको सुधांशु जी से बात करूंगा। हेलो सुधांशु जी, कैसे हैं? ठीक है सर। सो ये सेल्स कंसल्टेंट है, सो ये आपको बताएंगे कैसे एक्सचेंज करना है और कहाँ पे एक्सचेंज करना है, हालांकि मैं अभी रांची में हूँ, सो ये रांची के बारे में ही बता रहे हैं। ओके, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा नाम सुधांशु शर्मा हुआ और मैं दिलीप किया मोटर्स रांची से हूं। अगर लोकेशन की बात करें सर तो आपका कोकर और आपका खेलगांव के बीच में पड़ती दीपा टोली सुरेंद्रनाथ स्कूल के जस्ट अपोजिट में हमारी किया का शोरूम दिख जाएगी, दिलीप किया मोटर्स। और अगर एक्सचेंज की बात करें सर तो एक्सचेंज के हमारे पास ऑप्शन है, आपके पास कोई भी गाड़ी आप अगर एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आपका गाड़ी का जो भी वैल्यूएशन होगा बेस्ट वैल्यूएशन लगाई जाती है आपकी गाड़ी की, आप चाहे तो उसे डाउन पेमेंट कर दीजिए, बाकी का रेस्ट अमाउंट आप अगर करवाना चाहते हैं लोन मतलब की करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। हमारे सारे बैंक से टाइप होती है, डिपेंड करती है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल पर डिपेंड करती है, आप लोन करवा के आप अपनी गाड़ी को डाउन पेमेंट करके आप एक्सचेंज में
ले सकते हैं। तो ये कोई भी कार होगी? हाँ कोई भी कार, किसी भी कंपनी का कार हो। क्या हो सकता है उसका रजिस्ट्रेशन फेल भी हो गई हो, डजंट मैटर, अगर उसका स्क्रैप में जाएगी तो स्क्रैप का रेट मिलेगी, आपका जैसा गाड़ी देगी उसके अकॉर्डिंग आपको दी जाती है वैल्यूएशन। सो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। हाँ कि कस्टमर को इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, मतलब स्क्रैप तक भी आपको जो प्राइस मिल रहा है वो भी मिल जाएगा। काफी अच्छा लगा ये चीज जान के। ओके सो गाइस चलिए अब पीछे चलते हैं, रियर पे जल्दी से बैठ के बात कर लेते हैं और बूट स्पेस भी देखना है, काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। ओके चलिए रियर गेट को ओपन किए, यहाँ पे आपको सबसे पहले सनसेट कर्टेन मिल जा रहा है, हालांकि पता नहीं इस पे बहुत सारा चालान कट रहा है आजकल, ये क्या है कैसा है इसके बारे में आप लोग बताइएगा। यहाँ पे आपको विंडो से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये आपका फिनिश काफी अच्छा है, ये ड्यूअल टोन है, यहाँ पे ब्लैक सिल्वर, यहाँ पे लेदर फिनिश है, यहाँ पे आपको बोतल रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, ये आपका स्पीकर है बोस का। चलिए फिलहाल जल्दी से अंदर चलते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दी गई है, यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाती है जो कि आपकी एयर कितनी है उसको मॉनिटर करता है। अंदर आने में सबसे पहली जो नज़र मेरे को गई वो यहाँ सीट पे गया है, जो कि सीट को काफ़ी स्लोप किया गया है, जो कि आपका जो यहाँ पे लेग रूम और ये जो नी रूम है ये दोनों को बढ़ा देती है। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जैसे अगर ये अगर सिंपली रखा जाता तो आपको दिक्कत हो जाती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप अच्छे से लेग को फैला सकते हैं। हालांकि मैं अपनी हाइट के बारे में बात करूंगा, ये मैगजीन होल्डर भी यहाँ मिल जाता है और आई थिंक ये भी है, तो एक छोटा सा पॉकेट है, ये एक बड़ा सा पॉकेट है और ये आई थिंक यहाँ भी है। सो काफ़ी अच्छा लगा, ये आपका एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी था वो मैं बताना भूल गया था। चलिए मैं अपनी हाइट की बात कर लेता हूँ और फिर मैं बताऊँगा। अच्छा उससे पहले ये भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक एयर प्यूरीफायर मिल जाता है और एक छोटा सा एसी वेंट मिल जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस मिल जाता है, मोबाइल को रख के आप चार्ज कर सकते हो और दोनों टाइप सी टू टाइप सी यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, हालांकि एक छोटा सा यूएसबी पोर्ट भी होना चाहिए था सिंपल वाला। खैर कोई नहीं, ये लाइट को पहले ऑफ कर दिया जाए, ऑफ हो जाएगा या नहीं पता नहीं, खैर जो भी है गेट खुला हुआ शायद इसलिए ऑफ नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपको छोटा सा विंडो ग्लास मिल जाता है, आप यहाँ से भी झांक सकते हैं। ठीक है पीछे कुछ ऐसा है, ये आपका एक आई थिंक एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, सो ये देख लीजिए दोनों तरफ है, बीच में आपको एक छोटा सा हैंडरेस्ट मिल जाता है जो कि टू कप होल्डर्स के साथ आता है, इसको बंद कर लीजिए, आप इसमें आराम से तीन लोग तो बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हाइट में दिखा देता हूँ। सो गाइज मेरी जो हाइट है वो 5'7" है, सो आप देख सकते हैं। और रही बात यहाँ पे बैठने की, तो मेरा जो भी है आप लेग रूम देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, नी रूम भी अच्छा है, थोड़ा सा मैंने इसको एडजस्ट किया था लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत एडजस्ट कर दिया है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, अगर एडजस्ट भी करें तो कितना है, बहुत ज़्यादा है आप देख सकते हो। और ऊपर अगर हेडरूम की बात करें तो शायद अभी तो मेरे हिसाब से ठीक है, लेकिन 6 फिट के ज़्यादा जो बंदे होंगे उनको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि हेडरूम उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है डिसेंट है। सो यही था और कुछ तो पीछे की तरफ नहीं है, चलिए अब सबसे पीछे चलते हैं, रियर को दिखाते हैं। ओके तो गाइस चलिए बूट को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपली आप इसको प्रेस करेंगे, कहाँ गया ये रहा, इसको प्रेस करके आप उठा सकते हैं। ठीक है ये है, ये वाला बटन है, आप इसको देख लीजिएगा। सो ये इसका कुछ ऐसा बूट है, यहाँ पे आपको एक पार्सल ट्रे मिल जाता है, काफ़ी वाइड है, आप यहाँ पे सामान भी रख सकते हैं, ऊँचाई भी काफ़ी अच्छी है, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। नीचे जो है बूट काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही है मुझे तो, आई थिंक ये 385 लीटर की बूट स्पेस आपको मिल जाती है, साथ ही आपको इसमें भी स्पीकर मिल जाता है यार, वो अच्छी बात है। और तो और यहाँ पे आपको लाइट भी मिल जाता है, हैंगिंग के लिए शायद कुछ मुझे नहीं दिख रहा, लेकिन फिलहाल सब कुछ ठीक है आपको। और इसके नीचे देखा जाए तो आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है, जो भी टूल किट्स है वो इसमें आपको मिल जाती है। सो बूट स्पेस तो काफ़ी अच्छी है। अच्छा एक और चीज़ है, इससे जो ज़्यादा नीचे नहीं है आपको सामान निकालने रखने में ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। सो ये ओवरऑल जो भी था किया सोनेट के बारे में, जो फेस लिफ्ट था उसके बारे में, चलिए बात करते हैं प्राइस की, कितने क्या रहने वाली है। फ्रेंड्स अगर माइलेज की बात करें तो ये कार जो है आपको इजिली 18 की माइलेज दे देती है। सो गाइज ये जो कार है आपको ड्यूअल टोन में है, टॉप मॉडल में, इसमें आपको सिंगल टोन में भी आती है, सो दोनों की प्राइस थोड़ी बहुत अलग है और ये आपको सिटी और स्टेट के हिसाब से वेरी भी करती है। सो एक तो है आपको 1464900 जो कि आपको ड्यूअल टोन वाली है, और एक है आपको 1454900 जो कि आपको सिंगल टोन वाली है। ये दोनों प्राइस जो मैंने बताया ये एक शोरूम प्राइस मैंने बताया। ओके सो आप देख लीजिएगा आपको कौन सी ज़्यादा पसंद आती है, उस हिसाब से आप इसको बुक कर सकते हैं। सो गाइज यही थी आज के वीडियो में, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अगर पसंद आया हो तो लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बाय बाय, टेक केयर।